आज मैं आपके सामने समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत खस्ता है, करारे बनते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसे लगते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। पहले इसका डो तैयार करेंगे। यहाँ पे लिए मैंने 200 ग्राम मैदा, नमक और 1/4 अजवाइन और 1/3 कप ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से एक मुट्ठी सी बांध के देखेंगे, अगर आटा इस तरीके से हो जा रहा है इसका मतलब इसमें मोइन ठीक पड़ा है। अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा ऑयल और डाल लेंगे, और एक ना ही सॉफ्ट और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट इसका आटा लगाना है, और आटे को थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक हम इसकी फिलिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बॉइल्ड पोटैटो, नमक, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, और इसको एक अच्छे से इस तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। और डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और हरा धनिया और कटी हरी मिर्च, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून जीरा, और इस तरीके से देखिए बस फ्राई करके ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको थोड़ी देर ठंडा रखेंगे और आटा भी रेडी हो गया, इस तरीके से बेल लेंगे। इसमें ऐसे हाफ कट लगाएंगे और सेंटर पे से इस तरीके से पकड़ के, इधर मैंने कटोरी में मैदे को एक पानी में घोल के तैयार कर रखा हुआ है, जिससे इसे समोसे फटते नहीं है। अब ऐसे ही करके सारे समोसे तैयार कर लेंगे। अब इन समोसों को हम थोड़ी देर के लिए, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। इससे करने से समोसे जो है बहुत क्रिस्पी बनते हैं और फटते भी नहीं है। और गैस को क्या, हमें बिल्कुल भी तेज नहीं रखनी है। एक बार गरम तेल हो जाने के बाद गैस को बिल्कुल सिम कर देना है और हल्के ही हल्के इसको सेकना है। थोड़ी थोड़ी देर पर फ्लिप कर देना है। देखिए समोसे रेडी हो गए। ऐसे ही सारे समोसे तैयार कर लेंगे। समोसों को नॉर्मली रेड चटनी के साथ खाते हैं, उसकी मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म मार्केट जैसे समोसे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप भी रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।